ये क्वेश्चन है 9.4 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 17। इन क्वेश्चनों को हम करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सिंपली डी एक्स और डी वाई के रेस्पेक्ट में इनको सेपरेट करना है। करें, फर्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू जीरो। जैसा मैंने बताया, सबसे पहले dy और dx को एक तरफ करना है ताकि इनको अलग से अपन कर सके। तो सबसे पहले मैं ये वाली वैल्यू जो है इसको तो यही रख रहा हूं, इसको उधर लेके जाऊंगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये यहां पर हो गया आपके पास sec स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर x tan y और dx। dy और dx को अलग अलग कर लिया, अगर एक से ज्यादा हो तो कॉमन वॉमन लेके कर सकते हैं, पर एक तरफ dy हो जाना चाहिए, एक तरफ dx होना चाहिए। और dy को इधर रखेंगे आगे की तरफ तो प्रिफर करेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि dy की तरफ हमें y की वैल्यू इधर आ जाएगी। अब आप देखो, यहां से x वाली को तो उधर भेजना है उस और y वाली को इधर लेना, तो ये यहां पर इन दोनों वैल्यूज को अपन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं। तो यहां पर आ गया sec स्क्वायर y dy अपॉन ये यहां पर आ गया tan y इज इक्वल टू माइनस बाहर sec स्क्वायर x अपॉन tan x और ये हो गया dx। ओके, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। इंटीग्रेशन आप अप्लाई कर दीजिए। इंटीग्रेशन आपको करना का पता है, इंटीग्रेशन करने के लिए आप और इसको tan y को अगर डिपुट करते हैं तो sec स्क्वायर y आ जाता है, ठीक है, और इधर भी tan x को डिपुट करेंगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा। tan स्क्वायर को पुट करेंगे तो यहां पर तो आ जाएगा dt dt / t, dt / t क्या हो जाता है log t। तो डायरेक्ट आप यहां पर लिख देंगे log of tan y। ओके, और इधर लिखेंगे माइनस log of tan x minus plus। अब आप देख लो अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, माइनस log c लिख सकते हो, प्लस log c लिख सकते हो, ये log of c लिख देना, ठीक है, हो गया काम अपना। ये अलग अलग फॉर्म में आप रख सकते हो, इसमें आंसर की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये लॉगरिथम के बाद ये इसके अपॉन में लिखे चाहिए, इसके अपॉन में लिखे, नेगेटिव की वजह से इसके अपॉन में आ जाएगा, और अगर आप पॉजिटिव लेना चाहते हो तो इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस भी ले सकते हो। तो माइनस कॉमन, ये हो गया लॉग टेन एक्स और इंटू सी सी टेन एक्स लिख दो इसको। ओके, इधर लॉगरिथम ये पावर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग वन अपॉन सी टेन एक्स, लॉगरिथम से लॉगरिथम गया, ठीक है, तो ये आ जाएगा टेन वाई इज इक्वल टू वन अपॉन सी टेन एक्स, ये आपके बन जाता है आंसर। ठीक है, आंसर की टेंशन नहीं करनी, बस तरीका अपना होना चाहिए, मेथड अपना होना चाहिए। आगे बात समझ में। अब एक और क्वेश्चन देखो इसी तरीके का, इसमें भी अपन ये करते e पावर x tan y dx ब्रैकेट प्लस 1 माइनस e पावर x sec स्क्वायर y dy, ठीक है। तो अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर एक बार और मैं बोल रहा हूं, चेक कर लेना, इसके अंदर e पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e पावर x sec स्क्वायर y dy। अब इसमें भी यही करना है, ये dy वाले पार्ट को इधर रख रहा हूं, 1 माइनस e पावर x sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस e पावर x tan y और dx। अब देखो tan y को यहां से हटाना है और इधर e पावर x ये उधर हटाना है, तो इधर लिख देते हैं sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy इज इक्वल टू माइनस
इधर देखो e पावर x तो पहले से है और 1 माइनस e पावर x है, तो इसको e पावर x माइनस 1 कर दिया जाए तो ये माइनस भी हट गया और ये dx हो गया। इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसको अपन लिखेंगे log ऑफ tan y is equal to, इसको अपन लिखेंगे e पावर x वाला जो कांसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग e पावर x माइनस 1 को t पुट कर देंगे तो e पावर x dx आ जाएगा, ये भी हो गया log e पावर x माइनस 1 प्लस log c। तो फिर उसके बाद आप आगे कोई कांस्टेंट वापस बन जाता है तो उसको a कैपिटल b कैपिटल कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये tan y is equal to, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे e पावर x माइनस 1 इनटू c, ठीक है, ये इसका बनता है। लेकिन अब आप इसको जब करोगे तो ये c कांस्टेंट जो है वो अलग हो जाएगा, ये यहाँ पे इसका आंसर बन जाता है, ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चन तो सेपरेबल वेरिएबल मेथड के इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गए, लेकिन अब इसके अंदर जैसा मैंने बताया था कि x और y की वैल्यू अगर दे दी जाए तो c की वैल्यू भी कैलकुलेट की जा सकती है। इसके लिए मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है y डैश इक्वल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इक्वल टू e पावर x sin x। तो ये इसने पॉइंट दे दिया है, यानी x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 दे, तो यहां तक तो वैसे की वैसे ही करना है, लास्ट में x और y की वैल्यू जो दे रखी है उसी की वैल्यू दे दे। तो y को अपन इसको लिख रहे हैं यहां से dy / dx, ठीक है, तो dy / dx e पावर x sin x है, तो ये हो गया dy इक्वल टू e पावर x sin x dx। इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, ये तो हो गया y और इधर होगा u डॉट v के फॉर्म में, तो इसको आइडेंटिफाई करके u डॉट v के फॉर्म में से आप लिख सकते हो, कर सकते हो, है ना, और जो वैल्यूज आपके पास आती है उसको लिख सकते हो। तो देखना e पावर x sin x को और इन दोनों को अपन करेंगे तो एक आईलेट सिस्टम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ILATE, है ना, तो एक्सपोनेंशियल लास्ट में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके पहले आ रहा है, तो साइन एक्स को एज इट इज रखा e पावर x का e पावर x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन x हो गया cos x, इसका e पावर x का e पावर x हो गया dx हो गया, है ना। यहाँ पे इसको अलग इसी तरीके से कंप्लीट करते हुए एक बार और वापस करेंगे, y इक्वल टू e पावर x sin x माइनस u डॉट v से अगेन cos x को एज इट इज रखा e पावर x का e पावर x माइनस इंटीग्रेशन e पावर x और sin x का cos x का हो गया माइनस sin x प्लस हो गया e पावर x dx, ओके। तो यहां पर जो वैल्यू आई हुई है इसको वापस से अपन क्या लिख सकते हैं, e पावर x sin x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dy, इंटीग्रेशन ऑफ dy मींस y, तो वहां पर आप y रख दीजिए, ठीक है, तो ये माइनस y इधर आके तो हो गया 2y is equal to e पावर x sin x माइनस e पावर x cos x और ये लगा दिया आपका प्लस का। ओके, अब आप x और y की वैल्यू 0,0 रखेंगे, यहां पर y इक्वल टू 0 पुट 0,0, तो यहां पर 2y ये भी 0 हो गया प्लस ये इक्वल टू के बाद ये भी 0 हो गया, c की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, c की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये इसका फाइनल आंसर। ओके, एक और लास्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूं इसकी लैंग्वेज को ध्यान से सुनना है। द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,-2, 0,-2 मैंने वहां लिख दिया है, गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y
on the curve, the product of the slope of tangent and y coordinate. Slope of tangent, application of derivative में अपन ने पढ़ा था tan theta होता है, लेकिन उसको dy upon dx से भी represent करते हैं x comma y की term. तो dy upon dx equal to tan theta, that is the slope of tangent. ठीक है, so the product of the slope of tangent dy by dx मैंने लिख दिया है and y coordinate मैंने y लिख दिया है of the point is equal to the x coordinate of the point. x coordinate of the point means is equal to x. तो equation अपने पास बनी है ये. तो Lagrange के थ्रू आप equation को जब बनाएंगे तो बहुत सिंपल सी बनेगी. dy by dx dot y is equal to x. अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर दीजिए. y dx is equal to x dx. y dy. y dy is equal to x dx हो गया. ये हो गया y square upon 2 is equal to x square upon 2 plus c. आगे equation, अब c की value को निकालने के लिए क्या दिया हुआ है? 0 comma minus 2. तो 0 comma minus 2 से इसको मैं satisfy कराऊंगा. तो x की जगह तो 0 रखना है और y की जगह क्या रखना है? minus 2. तो minus 2 का तो हो गया 4 upon 2, ये हो गया 0, ये हो गया c. c equal to 2 आ गया. ठीक है, तो आपका final answer बनेगा y square upon 2 is equal to x square upon 2 plus 2. बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. चारों क्वेश्चन को ध्यान से समझना है. एक एक चीज को इम्पोर्टेंट कहते हुए समझना.